हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा लिंक लेयर के बारे में कि डेटा लिंक लेयर में क्या काम होता है डेटा लिंक लेयर का, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलायबल ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। हाँ, डेटा को रिलायबल बनाना, मतलब कि कहीं से फेल ना हो जाए डेटा, है ना, एरर ना हो जाए। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं डेटा ट्रांसमिशन के अंदर, तो उसको रिलायबल बनाना कैसे किसी ट्रांसमिशन को, ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। डिटेक्ट एरर एंड करेक्ट, है ना, एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करेक्ट करना, ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। ऑप्टिमाइज द डेटा ट्रांसफर स्पीड, है ना, डेटा ट्रांसफर की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना, है ना, कि वो सही बैंडविथ में ट्रेवल करे डेटा और सही बैंडविथ रहे उसकी। तो डेटा लिंक लेयर का काम होता है कि डेटा ट्रांसफर को ऑप्टिमाइज करना। अलाउ द मल्टीपल डिवाइस टू शेयर द सेम नेटवर्क मीडियम, है ना, और क्या करना कि मल्टीपल डिवाइस जो कनेक्टेड होते हैं हमारे मीडियम से, तो उसको एक ही मीडियम को शेयर करना, है ना। तो ये जो है डेटा लिंक लेयर का काम होता है। अब डेटा लिंक लेयर की दो टाइप होती है, मतलब एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो दो तरीके के जो है डेटा लिंक लेयर की टाइप होती है। अब लॉजिकल लिंक कंट्रोल में क्या होता है कि उसमें फ्रेमिंग होती है एक, तो है ना, फिर इसके बाद फ्लो कंट्रोल होता है, फिर एरर कंट्रोल होता है ना। तो तीन तरीके की चीज़ होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल में। एक तो हम फ्रेमिंग करते हैं, फिर उसके फ्लो को हम रोकते हैं कि डेटा के फ्लो को रोकना है, और उसमें जो एरर आ रही है डेटा में, उसको एरर को हमें कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ें जो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल में होती है। अब फ्रेमिंग क्या होती है? फ्रेमिंग जो है चार तरीके से हम फ्रेमिंग करते हैं। जैसे कि एक करेक्टर काउंट करके हम फ्रेमिंग करते हैं, एक हम जो है फ्लैग लगा करके और उसमें बाइट स्टफिंग करते हैं, है ना। तो दो तरीके का हो गया। फिर तीसरा तरीका होता है स्टार्ट एंड एंडिंग फ्लैग विद द बिट स्टफिंग, है ना। इसमें जो है हम स्टार्ट और एंडिंग में जो है फ्लैग लगाते हैं और उसमें हम बिट ऐड करते हैं कुछ, जो कि हमारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके कि ये हमारा एक फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, ये तीसरा फ्रेम है। तो जो है एंडिंग और स्टार्टिंग में हम फ्लैग लगा देते हैं फ्रेम के अंदर, तो इसकी वजह से जो है हमारा जो फ्रेम है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है हर एक फ्रेम, ठीक है। फिर इसके बाद हम फिजिकल लेयर कोड वॉयलेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कुछ सिग्नल एनकोडिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो सेंडर है वो अगर कोई मैसेज ट्रांसफर करता है तो कोई भी एरर आती है तो रिसीवर को पता चल जाता है ना। तो कुछ सिग्नल एनकोडिंग सिस्टम का हम यूज़ करते हैं फिजिकल लेयर कोडिंग वॉयलेशन में। अब फ्रेमिंग का क्या काम हो जाता है कि कन्वर्ट डेटा इंटू फ्रेम, है ना, डेटा को कैसे फ्रेम में बनाना है। सेट बाउंड्रीज इन अ फ्लैग एस्केप बाइट, है ना, तो उसमें कुछ बाउंड्रीज को हम सेट करते हैं, जैसे कि फ्लैग लगा करके, है ना, एस्केप बाइट लगा करके। तो ये कुछ हम सेट करते हैं बाउंड्रीज कि हर एक फ्रेम में, और ट्रांसमिट द फ्रेम इन करेक्ट ऑर्डर। और जो हम फ्रेम को ट्रांसमिट करते हैं वो करेक्ट ऑर्डर में जाना चाहिए, तो वो चीज़ें जो है हम फ्रेमिंग में करते हैं, ठीक है। अब हम फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं कि फ्लो कंट्रोल में क्या होता है। फ्लो कंट्रोल में जैसे कि कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, है ना, जो डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड है उसको हमें कम करना है कि जो रिसीवर की ट्रांसमिशन स्पीड है उसके बराबर रखना है ना। जो सेंडर की ट्रांसमिशन स्पीड है और रिसीवर की ट्रांसमिशन स्पीड है, दोनों को बराबर करना है। तो फ्लो कंट्रोल में ये चीज़ें होती हैं। फिर प्रिवेंट द डेटा लॉस, है ना, डेटा लॉस ना हो उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। प्रिवेंट द बफर ओवरफ्लो फ्रॉम द रिसीवर साइड, है ना, जो रिसीवर साइड का जो बफर ओवरफ्लो होने लग जाता है डेटा ज़्यादा आने से, है ना, तो उसको रोकना, ये चीज़ें जो है फ्लो कंट्रोल के अंदर आती हैं। अब फ्लो कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि एक होता है स्टॉप एंड वेट, है ना, ये एक टेक्निक होती है। फिर होता है स्टॉप एंड वेट ARQ, ये दूसरी टेक्निक होती है। फिर तीसरी टेक्निक होती है गो बैक एन ARQ, है ना, ये तीसरी टेक्निक होती है। और चौथी टेक्निक होती है सिलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक है। तो चार टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं फ्लो कंट्रोल के अंदर, स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एन ARQ और सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक है। तो इससे जो है हम फ्लो कंट्रोल को रोक सकते हैं। फिर एक होता है एरर कंट्रोल, है ना, जैसे कि किसी भी डेटा में एरर आ जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो एरर कंट्रोल में हम देखते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डिटेक्ट एरर, जब हम ट्रांसमिशन करते हैं डेटा का, तो उसमें अगर एरर आ जाती है तो उसको डिटेक्ट कर लेना कि यहाँ एरर है ना। तो फ्लो कंट्रोल का ये काम हो गया। करेक्ट द एरर एंड रिकवर द डेटा, है ना, जो भी डेटा हमारा इनकरेक्ट है ना, उसको करेक्ट करना और डेटा को फिर से रिकवर करना, है ना। तो ये चीज़ें जो है हम फ्लो कंट्रोल में एरर कंट्रोल में करते हैं। अब एरर कंट्रोल की डिटेक्शन की क्या टेक्निक है, मतलब उसको डिटेक्ट
डिटेक्ट कर रहे हैं डेटा को कि कौन सा डेटा हमारा एरर है, तो वो टेक्निक है होती है सिंपल पैरिटी चेक, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक है ना, चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है ना, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है ना, तो इसको सीआरसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये चार तरीके की टेक्निक होती है जिससे कि वजह से हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम एरर को करेक्ट कैसे करते हैं, एरर को करेक्ट करने के लिए हम जो हैमिंग कोड का यूज़ करते हैं ना, हैमिंग कोड एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम एरर को जो है करेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी दूसरी लेयर होती है डेटा लिंक लेयर की, वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ना, ये दूसरी लेयर होती है। तो जो दूसरी लेयर होती है वो किसके लिए काम करती है, वो जो है लोअर लेवल के लिए काम करती है, मतलब फिजिकल लेयर के लिए काम करती है। तो इसमें क्या होता है, अलाउ द मल्टीपल डिवाइस टू शेयर द सेम मीडियम है ना, मल्टीपल डिवाइस जो है सेम मीडियम को जो है शेयर कर सके। ठीक है, इंश्योर ऑल डिवाइस हैव इक्वल एक्सेस है ना, तो जो जितने भी डिवाइस उससे कनेक्टेड है वो जो है इक्वल रिसोर्सेस को यूज़ कर सके, इक्वल एक्सेस को यूज़ कर सके। तो ये जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम होता है। ठीक है, वर्क फॉर लोअर लेवल दैट इज फिजिकल लेयर है ना, तो ये जो है लोअर लेवल के लिए काम करती है, जो फिजिकल लेयर से डेटा आ रहा है हमारा, तो फिजिकल लेयर पे जो भी डेटा आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए जो है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल काम करता है। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल में जो है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल आता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल आता है। अब मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल में जैसे एलोहा हो गया है ना, सी एस एम ए हो गया, सी एस एम ए सी डी हो गया, सी एस एम ए सी ए हो गया है ना, और फिर इसके बाद रिजर्वेशन हो गया, पोलिंग टेक्निक हो गया है ना, और टोकन पासिंग हो गया है ना। तो ये सात तरीके की टेक्निक होती हैं, और भी कई तरीके की टेक्निक होती हैं, लेकिन ये सात मेन टाइप की टेक्निक होती हैं, इनको जो है आपको आना चाहिए। तो मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल में हम ये सात चीज़ें देखते हैं। ठीक है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे प्रोटोकॉल कौन सा हो, जैसे ईथरनेट है ना, ईथरनेट IEEE 802.3 है ना, ये एक टेक्निक प्रोटोकॉल है जो हम ईथरनेट कनेक्ट करते हैं, तो ईथरनेट कनेक्ट करने में इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। फिर वाईफाई के लिए जो है IEEE 802 का यूज़ करते हैं, फिर टोकन रिंग के लिए IEEE 802.5 का यूज़ करते हैं ना, फिर FDDI का यूज़ करते हैं, फिर ATM का यूज़ करते हैं। तो ये जो है कुछ फेमस प्रोटोकॉल है, उसमें जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं इसको हम धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।